दिल्ली चल जाएगा। सखी, अब जब हम अच्छे मित्र बन ही गए हैं तो आज हम आपको अपने विशेष मसाले दिखाते हैं। वो इस समय आपके पास उपलब्ध है? हाँ, ये देखो, हम सदैव अपने साथ ही रखते हैं, चाहे कहीं की भी यात्रा करें। अच्छा, दिखाइए दिखाइए। खुलेगा भेद। वाह सखी, इसकी तो अत्यधिक तीव्र सुगंध है। सखी, अब हम आपको अपना गुप्त मसाले दिखाते हैं। हाँ, दिखाइए। उठा लो। हाँ, पहले उठा लो और भागो। नहीं, कपड़ा उठा लो और अपनी नाक ढको। अम्मा, इनकी महारानी के गुप्त मसाले अगर इतने दुर्गंध वाले हैं तो महारानी तिरुमलम्मा के कैसे होंगे? जैसे भी हो, गुंडप्पा जैसे पुरुष के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई भी सौंपा हुआ कार्य आसानी से कर सकता है। नहीं नहीं, मैं नाक नहीं खोल सकता, मुंह कैसे खोलूंगा? तू पुरुष है पुरुष, और पुरुषों को दुर्गंध से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू ये कार्य कर सकता है। जा गुंडप्पा, जा, जा। गुप्त मसाला। अम्मा, गुंडप्पा को वो मैं छोड़ा है, कहीं किसी कष्ट में ना हो, चलो उसे लेकर आते। महाराज, मामा महामंत्री, आप कुछ भी मत बोलिए। हम देखना ये चाहते हैं कि जिस पंडित रामाकृष्णा की इतनी प्रशंसा की जा रही थी वो उसके पात्र हैं भी या नहीं। पंडित रामाकृष्णा, इसका हल तो आपको निकालना ही होगा, अन्यथा हमारे राज दरबार में आपके लिए कोई स्थान नहीं होगा। जी महाराज, परंतु ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसे कहते हैं एक बाण से दो लक्ष्य साधना। अगर समस्या हल की तो गजपति ले जाएगा, नहीं की तो महाराज निकाल देंगे। ए बंधु! रामा, आजकल तू करना कुछ और चाहता है और हो कुछ चाहता है, फंसा दिया ना। निश्चिंत हो जा बंधु, मैं ये समस्या अपने सर पे लूंगा ही नहीं। हाँ तो महोदय, आपने कहा कि सब कुछ यही इसी मंदिर में हुआ था? जी, ये पोटली इन लोगों ने इसी शिव मंदिर में मुझसे छीनी थी जब हम लोग इकट्ठे हुए थे अपनी बिटिया की शादी के लिए। एकत्रित किया हुआ धन सुरक्षित रख सकूं, इसलिए इन लोगों की सहायता चाही, किंतु ये पोटली छीन भागे। जी जी, मैं समझ गया, किंतु मैं पुनः पूछूंगा, क्या सब कुछ यही इसी मंदिर में हुआ था? जी, इसी मंदिर में हुआ था। ए पंडित रामाकृष्णा, क्या तो दिया कि सब कुछ मंदिर में हुआ था, अब क्या वो ताम्र पत्र पर लिख कर देंगे आपको? शांति रखिए गुरुवर, शांति रखिए। हाँ चलिए, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ तो क्या ये सत्य है महोदय? बिल्कुल सत्य है। आपको पूर्ण विश्वास है? इसी मंदिर में इसी शिवलिंग के समक्ष हुआ था। महाराज, फिर तो मुझे इस समस्या को हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। पंडित रामाकृष्ण, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? महाराज, जब सब कुछ साक्षात शिवलिंग के समक्ष हुआ था, साक्षात शिवजी ही समस्या का निराकरण करेंगे। अब जब वही प्रत्यक्ष दर्शी हैं, तो साक्ष्य भी वही देंगे। ईश्वर, तेरा धन्यवाद गुंडप्पा को उठाने के लिए। हमारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष।
अब बुलत बोले हम आपको मैं अंदर नहीं जाऊंगा। उस दुर्गंध का तूफान मैं तेन नहीं कर सकता। गुंडप्पा हम तुझे स्वयं ही वहाँ नहीं जाने देंगे। एक काम कर, तू महारानी चिन्ना देवी के पास चला जा। उनके नहीं अपने कान में डालना है। जा और जाकर दिखा दे कि तू पुरुष नहीं है, महापुरुष है। और महापुरुष ऐसी छोटी विपताओं से नहीं डरते। ये प्रेम का सुर है और भीतर से आएगा। अब घेर देगा उस कोने से जिसमें 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 क्या बोलो भी जिसमें 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 महाराज कृष्णदेव राय की छवि हो। गुंडप्पा के बिना कुछ बोले ही हमारा कार्य संपन्न हो जाएगा। परंतु उनकी छवि आपके हृदय में क्या कर रही है? परंतु पंडित रामकृष्णा, ये कैसे संभव है? शिव भगवान कैसे गवाही दे सकते हैं? मामा महामंत्री, हमें प्रतीत होता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे। तथा चार रहे तो हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। पंडित रामकृष्ण तो और भी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। पंडित रामकृष्ण, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? यही तो हम कह रहे हैं महाराज, ये संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। महाराज, जब गोस्वामी तुलसीदास के कहने पर स्वयं शिव जी नंदी को भेज कर एक हत्यारे के पाप धुलने का प्रमाण दे सकते हैं, तो फिर इस मुद्दे की सत्यता का भी प्रमाण दे सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास परम भक्त हैं, उनके लिए चमत्कार तो सामान्य सी बात है। पंडित रामकृष्णा, तो आप भी तो शिवजी के परम भक्त हैं? हाँ है, अवश्य है, निसंदेह। हमारा तो उनसे सीधा संपर्क है। हाँ, और ये बात तो सर्वविदित है, इसलिए गुरुवर शिवजी को प्रमाण देने के लिए आप ही बुलाएंगे। हाँ, हम कैसे बुलाएंगे? अभी तो आपने कहा कि आपका उनसे सीधा संपर्क है। हाँ है, है, अवश्य है, क्यों नहीं? इसलिए तो शिवजी को प्रमाण देने के लिए आप बुलाएंगे और ये सिद्ध कर देंगे कि यदि काशी में गोस्वामी तुलसीदास शिवजी के परम भक्त हैं, तो विजयनगर में आप स्वयं आचार्य तथा आचार्य हैं। गुरुजी, आपका चला हुआ दांव उल्टा होता प्रतीत हो रहा है। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण को फंसाने का कार्यक्रम आपने बनाया, उस कार्यक्रम में आप ही फंस गए। अरे नहीं नहीं हमारे प्यारे शिष्यों, हम नहीं फंसे, फंसा तो पंडित रामकृष्ण है। माँ, ये जगन मोहिनी तो अपने ही जाल के चक्रव्यूह में फंस गए। परंतु महाराज की छवि आपके हृदय के कोने में कर क्या रही है, बताइए हमें। दीदी, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि क्या है आपके कहने का तात्पर्य? कि महाराज कृष्णदेव राय इतने प्रतापी राजा हैं कि हमारे हृदय में क्या, पूरे राज्य के हृदय में उनकी छवि है। वो इतने महान है। ये तो आपने सत्य कहा, वो बड़े ही प्रतापी हैं, बहुत ही महान है। माँ, जगन मोहिनी तो सच में मोहिनी निकली, महारानी चिन्ना देवी को पुनः अपने जाल में फंसा लिया। अब हमें अपना शस्त्र युद्ध क्षेत्र में
भेजना ही होगा। हाँ, सत्य कह रही हो अम्मा। मेरे पास तो इतना नहीं है, मेरे पास केवल दंतिया है। शत्रुओं की घंटी बजाने का समय आ गया है गुंडप्पा, जो तो जैसा पुरुष ही कर सकता है। चल चल। चलिए दीदी, अब अपना अभ्यास प्रारंभ करते हैं। अब परंतु ध्यान रहे, हृदय के उसी कोने से सुर लगाइएगा जहाँ महाराज कृष्णदेव राय की छवि हो, तभी प्रेम का सुर लगेगा। आप भी हमारे साथ अभ्यास कीजिए। इसे क्या हुआ? वो पहली बार इसे संगीत का आठवां सुर सुना है ना, इसके कान विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी बालक ही तो है। क्या क्या कहा आपने? यही कहा कि तुम बालक ही हो। कई काम से हमारे शस्त्र पे तो इन्होंने तोप चला दी, कहीं गुंडप्पा फट ना जाए। नन्हे से प्यारे से बालक। अम्मा, तो अब इसे पुनः भेजना कठिन होगा। गुरुवर, आप भगवान शिव को बुलाने के लिए तैयार है ना? हाँ, परंतु फिर भी यदि शिव जी ने प्रमाण नहीं दिया तो त्रुटि तुम्हारी होगी पंडित रामकृष्णा, हमारी नहीं। पंडित रामकृष्णा, ये जो आपका सुझाव है, आशा करते हैं कि अतिथियों के समक्ष हमारा अपमान नहीं होगा। ए बंधु, पुनः विचार कर ले रामा, तेरा समय उचित नहीं चल रहा है। ऐसे समय में भयभीत नहीं करते, मित्र का साहस बढ़ाते हैं। चिंता ना करें महाराज, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिवजी अवश्य प्रमाण देंगे। आइए गुरुवर। हाँ, आपको क्या लगता है महामंत्र जी, शिवजी प्रमाण देंगे? अभी ज्ञात हो जाएगा महाराज, बस कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, सत्य सबके समक्ष आ जाएगा। शिवजी से प्रमाण हेतु अपनी प्रार्थना आरंभ कर दीजिए। जब तक गुरुवर प्रमाण हेतु प्रार्थना कर रहे हैं, तब तक आप तीनों भी पूजा में लग जाएं और शिव अभिषेक शुरू कर दें। जी, चलो हाथ जोड़ो। ओम शिवाय नमः। गुरुजी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय बोलिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी जाग जाइए। क्या हुआ गुरुवर? संपर्क हुआ था महाराज, शिव शंभु क्रोधित है, कह रहे हैं कि इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। हमने कहा था कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। महाराज, महाराज निष्कासित कर दीजिए पंडित रामकृष्ण को, अभी इसी समय निष्कासित कर दीजिए। इन्होंने आपका अपमान करवाया महाराज, और तो और भगवान शिव को सम्मिलित कर उन्हें भी क्रोधित किया। महाराज, किंतु समस्या का हल तो हो गया। ये पोटली इस तेल वाले की है, इन दोनों की नहीं। ये कैसे? लेकिन प्रमाण क्या है? अभी बताता हूं गजपति महाराज।
शिव अभिषेक के लिए अर्पित किए हुए जल पर तैरता हुआ ये तेल प्रमाण है कि ये पोटली तेल वाले की है। महाराज समझ गए महाराज। अब काल कोठरी में जाके चूना लगाना और तुम वहाँ बैठकर अपने फूटे भाग को सीना। हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, क्षमा कीजिए। सिपाही बंदी बना लो इन्हें। प्रत्येक मनुष्य का कर्म कहीं ना कहीं उसकी कमाई में उसका छाप छोड़ जाता है। आपकी कमाई हुई इन मुद्राओं में तेल के छाप है, मेहनत कभी पानी में नहीं मिलती है, सदैव उभर कर समक्ष आती है। ये पोटली आपकी है, इसे आप ले जाइए। धन्यवाद। वाह पंडित रामकृष्ण, वाह, उत्तम, अति उत्तम। क्या हल निकाला है आप? कितनी बुद्धिमता से आपने पहचान लिया भगवान शिव के दिए हुए प्रमाण। हमें तो ज्ञात ही नहीं हुआ कब महाराज शिव आए, कब प्रमाण दिया, कब चले गए। आपने देखा, देखा गजपति महाराज, देखा है? आपको पता चलता भी तो कैसे चलता है गुरुजी। आप तो आराम से सो रहे थे। पंडित रामकृष्णा ने आज पुनः आपका मान रख लिया और दिखा दिया कि वो कितने बुद्धिमान हैं और कितने चतुर हैं। देखा आपने गजपति महाराज? ए बंधु, आज तथाचार्य को हो क्या गया है? इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं तुम्हारी? यानी कि तथाचार्य सत्य कह रहे थे, कृष्णदेव राय की असली ढाल, उनका रत्न पंडित रामकृष्ण ही है। गजपति जी, इस समस्या का समाधान तो हमारे पंडित रामकृष्ण ने निकाल दिया। तो आप हमें बताइए, हम आपको उपहार स्वरूप क्या दे सकते हैं? रामा, मुझे कुछ अनिष्ट होने की आशंका हो रही है। मुझे भी। उस दगन मोहिनी ने मेरा अपमान किया, उसे प्यारा था नन्ना तो बालक बोला। फिर तो प्रतिशोध लेना बनता है। वीर पुरुष मित्रता के भांति शत्रुता भी निभाते हैं। जाओ जाकर महारानी चिन्ना देवी को जगन मोहिनी के विषय में सब कुछ बता। उठा लो प्रतिशोध लेने की सौगंध, उठा लो, जाओ वीर पुरुष, सब कुछ बता। जो हम मांगेंगे क्या वो दे सकेंगे? निसंदेह, मांग कर तो देखिए। हमें उपहार स्वरूप आपसे पंडित रामकृष्ण चाहिए। मैं बालक नहीं हूँ और जगमोहिनी आपकी मित्र नहीं है, वो आपकी तोतन बनना चाहती है। तो थुक थुक कर आपको और मालात को देख ली थी तो आपको वो तकला भी उम्मे बता सके। पंडित रामकृष्ण चाहिए, हम सबका प्रिय विजयनगर का बहुमूल्य रतन चाहिए आपको। गुरु जी अधिक नाटक मत कीजिए अन्यथा पकड़े जाएंगे। हमें विदित है कि निर्णय कठिन है, परंतु आप वचन दे चुके हैं महाराज। और परंतु आप
चिंतित ना हो महाराज, हम यहां रहेंगे ना आपके साथ। दे दीजिए पंडित रामकृष्णा को। रामा जाए पर वचन ना जाए महाराज, और हम भली भांति समझते हैं पंडित रामकृष्णा को। यह आपके सम्मान के लिए प्रसन्नता पूर्वक यहां से प्रस्थान करेंगे, है ना? ये क्या हो रहा है रामा? तुझे ही दान में दिया जा रहा है और तुझसे कोई पूछ नहीं रहा? यही तो संसार का नियम है बंधु, जिसकी बलि चढ़ने वाली होती है उससे कहां पूछा जाता है भला। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज मुझे जाने नहीं देंगे, तो देखना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।